अगली खबर अमरोहा से है। जनपद अमरोहा के हसनपुर तहसील के गांव सांथलपुर में गौशाला में 25 गायों की मौत होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर जिलाधिकारी ने जाकर मामले को देखा और कोताही पाए जाने पर सेक्रेटरी को तत्काल सस्पेंड कर दिया, जबकि एक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। और आपको बता दें, जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 गायों की मौत हो चुकी है, बाकी गायों का ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ पशुओं पॉइजन हो गया है और कुछ पशुओं को आपको बता दें पॉइजन हो गया और बाकी गायों का इलाज चल रहा है, जिनके जल्दी स्वस्थ होने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे पास दवाई, डॉक्टर, अन्य काफी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर, सांथलपुर गौशाला में जो गायों की मौत हुई है, क्या मामला है पूरा? ये सांथलपुर गौशाला जो कि कसी हसनपुर में आती है, यहाँ पे हमारे कुल 188 इस समय वर्तमान में पशु हैं, और ये मालूम चला कि आज इन्होंने एक नए से चारा लेकर खिलाया है। चारा कल लिया था, खरीदा था और कटिंग करके आज खिलाया है, तो उसके खाने के बाद से कई पशु हमारे जो बीमार पड़ गए, और उसमें अभी जो बीमार ज़्यादा पड़ गए थे उनको पॉइजन भी हो गया, तो डॉक्टर से इलाज भी कर रहे हैं और कुछ इसे मृत भी हो गए हैं। लगभग अभी तक की जो संख्या हमारी है वो 25 तक के मृत हैं और बाकी इलाज चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी से बाकी स्वस्थ हो जाएंगे। ये कमी जो है इसमें चारे में बता रहे हैं कि चारा खाने से कुछ पॉइजन हुआ है, चारा इन्होंने पहली बार लिया है, तो जिससे चारा लिया था उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। वो ताहिर नाम के व्यक्ति से चारा लिया था, पहली बार लिया था, FIR दर्ज हो गई है और उसके लिए कार्रवाई भी कर रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए टीम भेजी गई है पूरी जाँच पड़ताल के लिए। और इसके अलावा हमारी और मंडली टीम भी, डॉक्टर्स की आ गई, दवाएं आ गई हैं, इलाज चल रहा है, बाकी को जिनको पॉइजन हुआ है जिससे जल्दी स्वस्थ हो सके वो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। सर, क्या किसी और के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है? यहाँ के जो इसके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, उनको निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।